सो आई एम बैक अगेन विथ टू मोर क्वेश्चंस। और इसमें पहला क्वेश्चन होने वाला है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलोंग विथ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हर बार की तरह क्वेश्चन सुपर भी रहने वाला है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम्स खुद से बन पा रहे हैं या नहीं, या फिर आपको लेवल कैसा लग रहा है, एक्चुअल एडवांस लेवल लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, जैसा भी आपको फील हो रहा हो वो बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो एडवांस देने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं, मेंस स्कूल और नीट वाले बच्चों को इस चैनल से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्व इट एंड देन सॉल्व दिस। ठीक, पॉज करें और सॉल्व करें। ओके, होप सो आपके आंसर आ गए होंगे। अभी देखो हम जाते हैं इसको सॉल्व करते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो यहाँ पे Br2 और Cl2 को एक इक्विलिब्रियम में, Br2 ध्यान रखेंगे किस स्टेट में दिया हुआ, लिक्विड स्टेट में दिया हुआ। ठीक, और इक्विलिब्रियम में क्लोज कंटेनर BrCl का जो प्रेशर आ रहा है जो कि इंटायरली गैस है, उसका प्रेशर और Br2 लिक्विड के वेपर प्रेशर दोनों सेम आ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखें। अब बताने मिनिमम कितने Br2 के मोल्स को डाला जाए इस कंटेनर में कि ये जो अबव सिचुएशन है ये आपको अक्वायर होके मिल जाए। अच्छा, तो अबव सिचुएशन है क्या? अबव सिचुएशन ये है कि ब्रोमीन है आपके पास, ये शुरू की बात अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसमें घूमते रह जाओगे, क्या करें क्या करें। देखो सुनो, ध्यान से समझना इस बात को। आप इमेजिन करो कि यहाँ पे है क्या हमारे पास ब्रोमीन है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा रेडिश ब्राउन ही बना देता हूँ उसका कलर। ये मान लो आपका ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन के पास दो काम है, एक तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये BrCl बनाना है, और ऐसे बनाना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 मेंटेन हो और प्रेशर आए BrCl का पॉइंट हो। ठीक, ऐसे बनाना है। दूसरी बात, कुछ अमाउंट में इसके साथ रिएक्ट किया और कुछ अमाउंट में ये बनाएगा क्या अपने वेपर, और ये जो वेपर बनेंगे इसका वेपर प्रेशर इसके प्रेशर के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भी क्वेश्चन समझा रहा हूं बस। इसका वेपर प्रेशर इसके प्रेशर के बराबर होगा, और मिनिमम मोल्स पूछ रहा है आपसे। मिनिमम मोल्स मतलब एक्चुअली में ब्रोमीन आपको कम से कम रखना है, तो पूरा वैनिश हो जाना चाहिए ब्रोमीन। एक बात समझ आ रही है, वैनिश, पूरा जो ब्रोमीन है वो पूरी तरह से वैनिश हो जाना चाहिए। ये कब पॉसिबल है कि आपको ये पता करना है कि कितना अमाउंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके वो इक्विलिब्रियम सेट करेगा और कितना अमाउंट वेपर में जाएगा। एग्जैक्टली उतना ही चाहिए कि उतना वेपर बन जाए और उतना ही अमाउंट ब्रोमीन के साथ, सॉरी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर ले। आपको एग्जैक्टली उतना ही चाहिए, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। ठीक, तो एक बात और समझ में आ रही है कि वेपर बनने के लिए कितने मोल्स चाहिए होंगे ब्रोमीन के? उतने ही चाहिए होंगे जितने BrCl के प्रेशर है। जितना BrCl का प्रेशर है उतना ही, मतलब BrCl के 0.1 atm के लिए जितने मोल्स लगे होंगे उतने ही मोल्स तो ब्रोमीन के वेपर्स के भी होंगे, क्योंकि एक ही कंटेनर में है तो मोल्स सेम होंगे तभी प्रेशर सेम होगा। सीधी सी बात, सीधा सा कॉन्सेप्ट। और कुछ अमाउंट ब्रोमीन का क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे। अब चलो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो अब यहां पे आपको दिया हुआ है Br2 + Cl2 forms BrCl। थोड़ा बड़ा होने वाला है आज, दोनों क्वेश्चंस थोड़े अच्छे हैं, थोड़े बड़े हैं, चलो लिक्विड है। तो आपको एक चीज यहाँ पे तो समझ आ ही रहा होगा कि गैसियस गैसियस है, और ये मान लो 1 मोल मैंने स्टार्ट किया है क्लोरीन के 1 मोल के साथ अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को मिलेंगे इधर इक्विलिब्रियम पे 1 - x और ये मिलेगा 2x, ये मिला एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है। अब ये मोल्स हैं, केपी के लिए क्या करना होगा? प्रेशर ऑफ BrCl का स्क्वायर कितना आ रहा है? प्रेशर ऑफ BrCl को दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ BrCl इज 0.1। ठीक है, तो केपी इज 0.1 का स्क्वायर,
अपॉन क्लोरीन का प्रेशर, प्रेशर ऑफ क्लोरीन. अच्छा केपी इज वन मीन्स प्रेशर ऑफ क्लोरीन इज एक्चुअली 0.01. तो प्रेशर ऑफ क्लोरीन इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल एंड प्रेशर ऑफ BrCl इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल. तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ BrCl अपॉन प्रेशर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ BrCl अपॉन मोल्स ऑफ क्लोरीन. ऐसा बिल्कुल संभव है ऐसा लिखना. तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो कितना आ रहा है ये मोल्स जो है वो तो BrCl के मोल्स कितने. अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है देख लो. एंड दिस इज 1 माइनस एक्स कहां से आया यहां से देख लो. एंड प्रेशर ऑफ BrCl इज 0.1 एंड प्रेशर ऑफ दिस इज 0.01. If you solve this, you will get the value of x, which is quite simple. Okay. तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो x आएगा आपको 5/6. तो x 5/6 आया मतलब क्लोरीन इतना यूज हुआ तो ब्रोमीन भी इतना ही यूज हुआ होगा. तो क्या यही आंसर है? नहीं, क्योंकि ये इतना यूज हुआ. एक पार्ट और बताए थे कि कितना वेपर बना वो भी तो बता दो. कितना वेपर बना उसको भी तो ध्यान देना. तो यूज जो हुआ रिएक्शन में वो तो 5/6 मोल्स हुआ. अब वेपर बहुत आसान है, अब बहुत आसान है. देखो BrCl के जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स Br2 लिक्विड के यूज किया होगा हमने उतने ही वेपर बनाने के लिए. पॉज कर करके बार बार सुनना तो समझ आएगा, घुसेगा दिमाग में. क्योंकि दोनों का प्रेशर जो है वो सेम है, वो गैस का प्रेशर है उसके भी वेपर का प्रेशर है, एक ही बात. तो इसका प्रेशर 0.1 और इसका प्रेशर 0.1 है इनके वेपर्स का और उसके गैस का. तो अगर इसके 2x मोल्स हुए हैं तो इसके भी वेपर फॉर्म में 2x मोल्स ही यूज होंगे, इसके भी वेपर फॉर्म में 2x मोल्स ही यूज हुए होंगे. और वो वेपर कहां से आए होंगे? इसी लिक्विड से आए होंगे. और सिंस ब्रोमीन हमको मिनिमम मात्रा में चाहिए तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि पूरा ब्रोमीन वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए पूरा ब्रोमीन. तो हम क्या बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मेंटेन करने के लिए ब्रोमीन रिक्वायर्ड कितना आएगा? 2x आएगा. 2x कितना है? 10/6. अंडरस्टैंडिंग से बनेगा ये सब. तो टोटल मोल्स ऑफ Br2 यूज्ड इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? 15/6. तो क्या ऑप्शन में था? जी बिल्कुल. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको सवाल और एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया या नहीं. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी. खैर हमारे हर क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है MX का प्रिपेयर्ड दिस, मतलब आपको यहाँ पे KSP वैल्यू बताई गई है और KSP वैल्यू आपको शायद वही पूछ रहा है. KSP वैल्यू पूछ रहा है इतने मोल्स नाइट्रेट के डाला M नाइट्रेट. अच्छा All nitrates are water soluble, that you might be knowing. तो MnO3 जो है पूरी तरह से dissociate हो जाएगा, M plus के इतने moles generate करेगा, ठीक है? उसके बाद 1 liter solution में तो conductivity of the solution दिया हुआ है. इसमें एक बहुत अच्छी property आप use करेंगे, conductivity is additive. You should know this. It is fundamental. Conductivity is additive. जितने ions डालोगे सबकी individual conductivity जुड़ के solution की conductivity बनती है, ठीक है? सबकी कंडक्टिविटी जोड़ जोड़ के अपन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बनाते हैं. कंडक्टिविटी इज एडिटिव, दैट यू शुड नो. तो अब आयंस की देखो दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग वाली, एम प्लस का दिया हुआ है, एक्स माइनस का दिया हुआ है, नाइट्रेट का दिया हुआ है, लिमिटिंग दिया हुआ है ये तो. ठीक है लिमिटिंग ही दिया है ना, कोई बात नहीं. सोल्यूशन काफी डायल्यूट है हमारा, 10^-7 मोल्स MnO3 डाल रहे हैं, साथ ही साथ एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डाला हुआ है. तो वी कैन इमेजिन the molar conductivity to be at infinite dilution. ठीक है, इसको infinite dilution पे आप मान सकते हो, कोई बात नहीं. तो lambda m degree से कोई दिक्कत नहीं है. चलिए क्वेश्चन अभी थोड़ा बहुत फील हुआ है, अभी बात करते हैं कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे. तो लुक, अब जो अच्छे एडवांस वाले बच्चे होंगे उनको छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत तो मुझे नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं. चलिए देखिए, जो MX है ये डिसोसिएट हो रहा है कैसे बेटा, M प्लस और X माइनस, ठीक है.
Ksp जो भी दिया हुआ है ठीक है, इतने मोल मेटल नाइट्रेट के डाले, तो M प्लस के इतने मोल्स हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो M प्लस एक्चुअली में कितना है 10^-7 प्लस इधर से मान लो आया कितना S, ठीक S इज इट्स सॉल्युबिलिटी, और X माइनस भी आया S, ठीक हालांकि थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा डिसोसिएशन Mx का बिकॉज कॉमन आयन हम डाल दे रहे, कोई बात नहीं ठीक। कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, अब थोड़ा सा यहाँ पे गेम देखो, आपको पता है ये बात कि मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम डिग्री लैम्डा एम डिग्री इक्वल टू कापा इन 2000 बाय मोलैरिटी, ये फॉर्मूला होता है ठीक है, ये डिराइव की होगी बेसिकली, लेकिन सिंस यहाँ पे सीमन पर मीटर में दिया हुआ है तो ये 1000 नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं सीजीएस यूनिट और वो सब यूनिट में कन्वर्ट करके आप देखते हो आ जाएगा ठीक है, तो कापा अपॉन 1000 इनटू मोलैरिटी, वो सेक्शन पढ़ते हैं ना सीजीएस में क्या यूनिट में होगा फिर उसमें क्या होगा ये फॉर्मूला आ जाता है ठीक है, कापा अपॉन 1000 टू मोलैरिटी ये आ गया ठीक है। अब आपको कंडक्टिविटी दिया हुआ है और मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी जो है वो क्या है एडिटिव, तो कंडक्टिविटी इज एक्चुअली लैम्डा एम डिग्री इनटू मोलैरिटी इनटू 1000 और ये हर आयंस की एडिटिव है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या है यहाँ पे, आपके पास एम प्लस है, आपके पास एक्स माइनस है और आपके पास नाइट्रेट भी है, और आपके पास नाइट्रेट भी है, नाइट्रेट की भी कंसेंट्रेशन है 10^-7 आप इसको यूज करें और कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की इन इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज के बराबर करें। चलिए देखिए क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ यू शुड से एम प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ यू शुड से नाइट्रेट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ यू शुड से एक्स माइनस एस। तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन कितना दिया हुआ था 55 × 10^-7 अच्छा, और यहाँ पे इसमें भी 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर ले आ रहा हूं, और क्या बन रहा है ये लैम्डा एम डिग्री इनटू मोलैरिटी, बस हो गया सॉल्व हो गया, लैम्डा एम डिग्री इनटू मोलैरिटी सबकी दी हुई है, देखो एम प्लस की लैम्डा एम डिग्री दी हुई है कितनी 6 × 10^-3 तो 6 × 10^-3 इनटू मोलैरिटी, और एम प्लस की मोलैरिटी कितनी है ये 10^-7 प्लस एक्स, 10^-7 प्लस एक्स एस जो भी है। सिमिलरली ये करोगे आप इसको, ये क्या होगा, ये होगा नाइट्रेट के लिए, और नाइट्रेट कितना है 10^-7 ठीक प्लस 10^-7 मल्टीप्लाइड बाय इसकी कंडक्टिविटी जो भी दी हुई है 7 × 10^-3 ये सब आप खुद से भी कर सकते हो, एक्स माइनस कितना दिया हुआ है एस इंटू 8 × 10^-3 ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसका सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन होने के बाद यू विल गेट एस एस 3 × 10^-7 ये सॉल्युबिलिटी आ गई, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो थी वो थी हमारी एस इंटू एस प्लस 10^-7 यहाँ इग्नोर नहीं करेंगे हम क्योंकि ये भले छोटा नंबर है बट सॉल्युबिलिटी भी तो बहुत कम होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की, तो बेटर इफ यू आर नॉट श्योर डोंट इग्नोर इट ओके। तो बस ये अब एस एस की वैल्यू पुट करोगे तो पुट करने पे फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12 × 10^-14 और ए प्लस बी की वैल्यू अगर बोले तो ए एंड बी तो आंसर इज 26। ब्रिलियंट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये कंसेप्ट सिखा के गया है और पिछला क्वेश्चन भी काफी अच्छा था ओके। होप यू हैव लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर गुड फ्रेंड्स ओके।